भैया केसीआर, तेलंगाना में ही आपका काम तमाम होने वाला है, भारत की कहां बात। तेलंगाना रे केंद्र गृहमंत्री अमित शाह बड़ घोषणा, सरकार को आसिले मुसलमान संरक्षण समाप्त करिबो। ईदगाह पालन हेबो स्वाधीनता दिवस, पूर्वरु कर्नाटक रे मुसलमान संरक्षण को समाप्त होइछि। केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह तेलंगाना ठारे बड़ घोषणा करिछन्ति। स्थानीय चेबेला ठारे एक रैली को संबोधित करि कहिछन्ति जे राज्य रे बीजेपी सरकार गठन हेबा परे मुसलमान मानकु एठारे दिया जाउतिबा संरक्षण को उच्छेद करा जिवो। वर्तमान बिहार से सरकार मुसलमान मानों पर जो संरक्षण व्यवस्था संविधान विरोधी, से बीजेपी सरकार को आसिले ईदगाह स्वाधीनता दिवस पालन करा से घोषणा कर। तेलंगाना भारत राष्ट्र समिति और चंद्रशेखर राव सरकार द्वारा शैक्षणिक संस्थागुड़िक मुसलमान मान संरक्षण प्रदान संपूर्ण अनुचित, एणु सांविधानिक विधि व्यवस्था को देखि बीजेपी सरकार आसिले ताहा उच्छेद करिबो। कारण एही संरक्षण व्यवस्था अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा पछुआ वर्गक उद्दिष्ट। अमित शाह एही घोषणा सेतेबेले करिछन्ति जेतेबेले तेलंगानार केसीआर सरकार मुसलमान मानंकर कोटा को 4% रु बढ़ाई 12% करि दैछन्ति। निजर उद्बोधन में अमित शाह तेलंगानार मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव को चेतावनी दे कहते तेलंगानार बीआरएस क्षमता को बाहर नक जाए बीजेपी शांति में निश्वास नेबना। भयंकर दुर्नीतिर ध्यान हटावाई केसीआर तांको दलर नाम तेलंगाना राष्ट्र समिति भारत राष्ट्र समिति कहते से स्पष्ट करसीआर आड़ को इंगित करते वर्तमान प्रधानमंत्री पद खाली ना, तेणु से स्वप्न देखा बंद कर दिंतु। के चंद्रशेखर राव निजर पार्टी स्टीयरिंग को ओबीसी को दे सारी, तेणु से निजाम कबल तेलंगानार स्वाधीनता दिवस को पालन करूना। दर्शक जान रखा उचित जे गतमास कर्णाटक रे बीजेपी सरकार मुसलमान मान मिलुवा 4% कोटा को समाप्त करोटा को समाप्त कर बीजेपी सरकार 2-2% कोटा लिंगायत ओ बोकालिया कम्युनिटी को प्रदान करिछि। ब्यूरो रिपोर्ट, अर्गस न्यूज़।